तो अभी तक मैंने तीन पार्ट की चर्चा की। पहले पार्ट की चर्चा की ये टेंशन फ्री फ्रीडम लाइफ देगा आपको, तनाव मुक्त जीवन देगा, ये पैकेज ऑफ लाइफ है, ये दिस बिजनेस इज ए पैकेज ऑफ लाइफ, ये जीवन का एक पूरा दर्शन है। दूसरा हम लोगों ने चर्चा की कि साहब इस बिजनेस में लोग कैसे आते हैं और कैसे उनको टिकाना है, उनके एक्साइटमेंट को कन्वर्ट करना है बिलीफ में। तीसरा मैंने कहा इस बिजनेस के तीन सिद्धांत है, चार सिद्धांत है। और अब डी पार्ट में आइए, असल है प्रोसेस। सफलता का प्रोसेस क्या है? आपको एमरल्ड जाना है, प्लेटिनम जाना है, डायमंड जाना है, वो प्रक्रिया क्या है? प्रिंसिपल तो मैंने बता दिया, बट प्रोसेस क्या है? एंड प्रोसेस इज, एक चीज याद रखिए, प्रोसेस और सिद्धांत दोनों ट्रेन की दो पटरियां हैं, नदी की दो किनारे हैं, ये कभी मिलते नहीं हैं लेकिन साथ चलते हैं। सो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। नदी के दो किनारे कभी नहीं मिलते हैं लेकिन वो दो किनारे हमेशा साथ चलते हैं। अगर गंगा का उद्गम गंगोत्री है तो वहां भी दो किनारा है, और अगर वो गंगा सागर में, वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो वहां भी दो किनारा। ट्रेन की पटरी अगर राजेंद्र नगर से खुली तो यहां भी दो ही पटरी है, और दिल्ली जाके रुकेगी वहां भी दो ही पटरी। तो याद रखिए हमेशा सिद्धांत और प्रक्रिया दोनों एक साथ चलने वाले दो चीज हैं, दो नदी के किनारे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कर, क्या है ये प्रोसेस? कई बार हम लोग इन्हीं चीजों में मार खाते हैं, बोले कि सर हम तो सारा सिद्धांत समझिए गए थे, वो कर ही रहे थे, हम तो सीडी सुन ही रहे थे, हम तो किताब पढ़ ही रहे थे, तो फिर हुआ क्यों नहीं? तो क्यों? इसलिए कि आपने सिद्धांत को तो फॉलो किया लेकिन प्रक्रिया को छोड़ दिया। सिद्धांत आप सिद्धांत पढ़ लिए कि साहब प्लेन ऐसे चलता है, आप सिद्धांत पढ़ लिए कि साइकिल 10 थीटा बराबर इतना डिग्री चलता है, लेकिन अगर आपने उसको प्रोसेस नहीं किया तो नहीं होगा। इसलिए देखते हैं ना साइंस में क्या होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है कि नहीं होता है? क्या उमेश बाबू प्रोफेसर साहब, होता है ना दोनों? तो आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा। तो ये प्रोसेस क्या है सो समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक कैप्सूल बनाया है, 21 डेज कैप्सूल ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर। कोई एक व्यक्ति जो आज ज्वाइन किया है, एक महीना पहले ज्वाइन किया है, 3 साल पहले भी ज्वाइन किया लेकिन अभी बिजनेस को ठीक से नहीं कर रहा, या उसने भी करने का निर्णय नहीं लिया था, या किसी कारणवश से वो मैंने समझिए कि अटका हुआ है, स्ट्रक अप हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या कोई आदमी आगे बढ़ रहा है लेकिन उसके डाउनलाइन में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग आ गए हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम कैसे आगे ले जा सके। तो यह सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लीडर है वो इसको समझ करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में आए हुए नए साथी के साथ ये प्रक्रिया लागू करें, जो नए हैं वो तो अपने साथ ही इसको लागू करें, क्योंकि जो नए हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग आएंगे तो उनको भी आपको ऐसे ही सिखाना है। सो ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को थोड़ा समझ लीजिए। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है प्रोसेस, 21 दिन की प्रक्रिया है, मैं आपको बता रहा हूं। ये 21 दिन अगर आपने, अब कहिएगा कि साहब ये किसे दिन का है बोल रहे हैं, 22 दिन का है नहीं है, 20 दिन का है नहीं, इसका एक सिद्धांत, इसका इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, ठीक है, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। एक बहुत बड़े लेखक हुए, बहुत बड़े रिलीजियस प्रीचर भी हुए, बहुत बड़े स्कॉलर, उनका नाम था जोसेफ मर्फी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। जोसेफ मर्फी की एक लिखी हुई किताब है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। यह किताब दुनिया के 60 भाषाओं में लिखी गई है, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर दुनिया की अप्रतिम किताब है। इससे शानदार इस धरती पर कोई किताब आज तक लिखाई नहीं गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लैपटॉप को रीओरियंट कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब इस प्रोसेस को थोड़ा समझ लीजिए, व्हाट इज दिस प्रोसेस। 21 दिन मैं क्यों बता रहा था, जोसेफ मर्फी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि 21 दिन जो है ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस 21 दिन को अगर आपने ये कर लिया तो जो लोग नए लोग भी आए हैं, जो लोग पुराने लोग भी हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने साथी आ रहे हैं, अगर 21 दिन ने इसको फॉलो आपने कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक सकती। आप जिस मंजिल पर अभी खड़े हैं,
जहां भी खड़े हैं आपका नया अवतार हो जाएगा। मैं एक चुनौती देकर के आपको कहा, पूरे विश्वास के साथ में कहा, इसलिए इसे 21 दिन के कैप्सूल को अपने भी फॉलो कीजिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को फॉलो कराइए, आपका नया अवतार हो जाएगा। मैं बता, सांप जब तक केचुआ नहीं छोड़ता है नया जीवन नहीं प्राप्त करता है। यह 21 दिन आपके शरीर के ऊपर जमे हुए केचुए को उतार देगा, आपके शरीर के ऊपर जो बैठ गया है कवच उसको हटा देगा, उसको तोड़ देगा। जोसेफ मर्फी ने एक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये किसे दिन हम क्यों बार बार बोल। जोसेफ मर्फी एक बहुत गरीब परिवार में पैदा लिए थे और ये बात 18वीं सदी के शुरू यानी 1910-15 के आसपास या शायद उससे पहले की भी रही होगी, एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं। वो अपने उनके माता पिता आयरलैंड में थे, गरीबी से तंग आकर के वो अमेरिका सेटल कर गए, चले गए, और अमेरिका में खाना बदोश मतलब डेस्टिट्यूट्स बोलता है, भिखारियों की तरह रहने लगे। का बड़ा उनके फादर, 4-5 बच्चे थे तो टेंटों में सोया करते। इसके बाद वो चर्च में सफाई का काम करने लगे तो कुछ पैसा मिलने लगा, उसके बाद चर्च के पादरी ने उसको पढ़ाने लगा तो पढ़ने पढ़ते पढ़ते थोड़ा इंटरेस्ट हो गया बाइबल में, तो चर्च में वो भाषण देने का काम करने लगे। धीरे धीरे वो ब्रिलियंट आदमी थे तो चर्च के पादरी बन गए, उसके बाद वो हेड पादरी बन गए और उनको धर्म पर बड़ा जबरदस्त पकड़ हो गया। वो दुनिया में निकल गए, दुनिया में धर्म की खोज करने की, और उन्होंने चाइना, हिंदुस्तान, उस वक्त पाकिस्तान भी एक साथी था, और बहुत सारे मुल्कों की यात्रा की और कई एक धर्मों का अध्ययन किया। और उन धर्मों के अध्ययन करने के बाद उनको एक चीज समझ में आया कि जो माइंड है इसकी प्रोग्रामिंग 21 दिन में हो जाती है। आप कोई भी काम अगर 21 दिन लगातार कर लिए तो वो मस्तिष्क उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आपको एक दो ठो एग्जाम्पल बताते हैं, बड़ा हंसी भी लगेगा, आप उसको नेगेटिव वे में नहीं लीजिएगा। देखिएगा कि कोई अगर शराबी आदमी है, शराब पीता है, अगर लगातार 21 दिन तक पी लिया है शाम को, तो 22वें दिन शाम को उसको फिर महसूस होने लगा कि हमको चाहिए, तो देखिएगा कि शराबी रात में शाम में बेचैन हो जाता है और उसको लगने लगता है कि कहां से हमको एक बोतल मिल जाए। सिगरेट पीने वाला आदमी अगर 21 दिन लगातार, माने कोई सिगरेट नहीं पी रहा है, 21 दिन अगर पी लिया लगातार, तो 22वें दिन उसको सिगरेट उसकी जरूरत बन जाएगी, उसकी मजबूरी हो जाएगी। ड्रग एडिक्ट लोग ऐसे ही हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट ऐसे ही हो जाते हैं। तो अगर खराब चीजों का एडिक्शन हो सकता है तो अच्छे चीजों का एडिक्शन हो सकता है कि नहीं? आप देखिएगा कि लगातार 21 दिन महाभारत देख लिए तो आपकी भाषा बदल जाएगी, आपका आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा, 21 दिन का प्रभाव होता है। तो उन्होंने लिखा है कि अगर आपको कोई चीज प्राप्त करना है तो उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को 21 दिन ईमानदारी से, रिलीजियसली, पेशेंटली, धैर्य से लागू कर दीजिएगा, चीजें हो जाएगी। तो मैं इसीलिए इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं। अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई वो सिद्धांत की, अब मैं प्रोसेस की बात बताता हूं, पार्ट डी और अंतिम पार्ट, इसको गौर से सुनिएगा क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए, ठीक है, वेरी गुड। क्या करिए, आप बिजनेस ज्वाइन कर लिए और आपका जो एक्साइटमेंट था वो कन्वर्ट हो चुका है बिलीफ में। आपको ये बात मोटे तौर पर समझ में आ गई कि बिजनेस अच्छा है, बिजनेस बड़ा भी है, साइंटिफिक भी है, और बेसिक जानकारी आपको हो गई। आप प्रत्येक दिन रात में सोने से पहले एक सीडी आधा घंटा से 35 मिनट 25 मिनट जो है वो सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। अरुण जी अगर आप सुन रहे हैं, नीरज जी सुन रहे हैं, नीरज सुन रहा हो भागलपुर से, 21 दिन आधा घंटा 15 मिनट जो भी है एक सीडी सुन लीजिए। कहीं कहां सुनिएगा आप, अगर एसओ सीडी में है तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, अपलाइन से बात कीजिए, वो आपको सीडी का लिंक भेज देंगे। और इसमें प्रेफरेबली एफईडी का वीडियो सीडी सुन लीजिए। शील जी इसमें आप लोग जो लीडर हैं वो मॉनिटर करें अपने अपने, जैसे जिनके प्लेटिनम नहीं है आप हमसे भी सीधे बात कर सकते हैं। 21 दिन लगातार रात में सोने से पूर्व 15 से 20 मिनट एक सीडी देख लेना है, ठीक है नीरज, स्पष्ट है। नंबर दो,
आपके पास जो भी किताब है, अगर किताब नहीं है तो आप अपलाइन से बात कर लीजिएगा, पीडीएफ बना करके आपको सॉफ्ट कॉपी ही दे देगा, लेकिन सब लोगों के पास कुछ ना कुछ किताब है। स्पेशली दो तीन किताब है जिसकी चर्चा हम जरूर करना चाहेंगे, जिसको आप जरूर पढ़िए। एक किताब है, एक मिनट, प्रियंबल जी का फोन आ गया, एक सेकंड, एक जूम पर मीटिंग ले रहे हैं अभी। तो एक किताब है, उसको जरूर पढ़िए, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैं 10-15 मिनट में बात खत्म कर, बड़ी सोच का बड़ा जादू। दूसरा है शंकर मनसानी का नए जमाने का बिजनेस। तीसरा है 21वीं सदी का व्यवसायी रॉबर्ट कियोसाकी। आप इंडिविजुअली भी हमसे बात कर लीजिएगा। एक ही पावर ऑफ सब का, अवचेतन मन की शक्ति, जिसकी चर्चा हमने की, जोसेफ मर्फी। अच्छा, अगर किसी को नहीं हो तो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, एक किताब है सीक्रेट, रहस्य, उसका ऑडियो बुक भी आता है। रोनजी, आप गूगल पर जाइएगा, सीक्रेट लिखिएगा, ठीक है ना, रोंडा बर्न का है सीक्रेट। ये 4-5 किताब है, तो आप 21 दिन में इसको आप खत्म कर सकते हैं। 5 पेज 6 पेज 7 पेज पढ़ जाइए। दूसरा काम, तीसरा, प्रतिदिन 21 दिन एक प्रोडक्ट के बारे में 6-7 लाइन 8 लाइन जानकारी हासिल कर ली। प्रोडक्ट की किताब है तो अति उत्तम, नहीं तो नेट पर भी सब है, सबके पास प्रोडक्ट की किताब होगी। एक के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ ली, न्यूक्लाइड डेली उठाए, कल सलमान ओमेगा उठाए, 10 लाइन और ज्यादा नहीं, 10 लाइन। आप सोच के देखिए आप कितनों व्यस्त हैं। अरुण जी, रात में सोने से पहले यह तीनों काम करने में आपको 25 मिनट लगेगा। आप 15 मिनट में वीडियो देख लीजिए, 5 पेज 10 मिनट लगा, और 5-10 लाइन किताब का, प्रोडक्ट का पढ़ने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगे। तो ये 21 दिन सोने से पूर्व इसको पर डे ये तीन काम करना, ठीक है। इसके बाद प्रतिदिन 21 दिन आपके जो भी अपलाइन मेंटोर हैं या आपका जो भी ग्रुप है उसको जो पढ़ते हैं अगले दिन उसका, अच्छा ये जो जितनी चीज मैंने बताई, 10 पेज पढ़ने का, आधा घंटा सीडी सुनने का, और एक प्रोडक्ट के बारे में, एक डेडिकेटेड डायरी रखना है। अरुण जी, जितने लोग सुन रहे हैं, राजेश जी, नीरज, एक डेडिकेटेड डायरी रखिए, और जो सुने उसका ज्यादा नहीं 8-10 लाइन जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो लिख लीजिए। देखिए अभी भी हम लिखते हैं, देखिए ये मेरी पूरी डायरी भरी हुई, ऐसी 3-4 डायरी मेरी भरी हुई। कहता है कि अगर आप पढ़ के नहीं लिखे तो 96% भूल जाइएगा, और अगर आप पढ़ के देख करके लिख लिए तो 96% याद रहेगा। ये सिद्धांत है। तो 21 दिन में ये तीन चीज बताए, आधा घंटा, 15 मिनट 20 मिनट वीडियो या सीडी, जो ऑडियो जो भी है आप अपने अपलाइन से बात करके मंगा लिया कीजिए, किसी को नहीं मिलता है तो हमसे भी बात कर लें। दूसरा, जो उपलब्ध किताब है, इन 3-4 किताब में अगर उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जो किताब है, सिस्टम की किताब है, उसका 5-6 पेज 10 पेज पढ़ लीजिए, एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लीजिए, और उसकी डायरी मेंटेन करना शुरू कर। इसके बाद जो अंतिम चीज है, ये 21 दिन के अंदर ये जो प्लान है इस बिजनेस का कि पैसा कैसे आता है, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, इसकी जानकारी 21 दिन के अंदर आपको संपूर्ण रूप से हो जानी चाहिए। एक दिन में नहीं समझ में आता, हम लोग स्लाइड शेयर भी कर रहे हैं, 21 दिन के अंदर एमवे के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान आपको आ जाने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 21 दिन के अंदर आपको प्लान दिखाने आ जाना चाहिए। आप छोटा छोटा लेके चलिए ना, आज दिन में खाली, इनफैक्ट अगर मैं आपको मैं बताऊं तो इसके 6 पार्ट से अगर शुरू कीजिएगा तो आपको प्लान दिखाने में आसानी होगी। देखिए 6 पार्ट क्या है, पहला पार्ट, यह बिजनेस क्यों करना चाहिए, जो अपलाइन है वो नोट कर लें, जो नए ज्वाइन किए उनको इसी रूप में सिखाना है, 3-4 पॉइंट बताइए यह बिजनेस क्यों करना है, नंबर 1। नंबर 2, यही बिजनेस क्यों करना है। तीसरा स्लाइड, कौन लोग इस बिजनेस को कर सकता है। चौथा स्लाइड, क्या करना पड़ेगा। पांचवा स्लाइड, क्या मिलेगा। और छठा स्लाइड, कैसे शुरू करना है। बस
क्या मिलेगा हमें 60% का डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको समझ लेना 21 दिन के अंदर ये बात आ जाए। अगर 21 दिन हो गया है और आप ये कह रहे हैं कि सर पैसा कैसे आता है, इसका मतलब 21 दिन का फॉर्मूला आपने ठीक से लागू नहीं किया। तो ये 21 दिन में ये पांच चीज जो मैंने बताया इसको कर लेना है कैप्सूल के रूप में। मैं सजेस्ट करूंगा जो लोग अपलाइन हैं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का ब्रॉडकास्ट बना लें ग्रुप, और जो लोग नए लोग ज्वाइन किए हैं उनको इस 21 दिन का कैप्सूलवा खिलाना पड़ेगा भाई। ये 21 दिन का कैप्सूल अगर खिला दिए आपको अंदाजा नहीं है कि क्या हो जाएगा, आपको अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है, पूरा खेल बदल दीजिएगा, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। और ये 21 दिन इसको आपने पूरा कर दिया, ये प्रक्रिया पूरी कर दी, तो और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इस 21 दिन में आपको, अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के हैं, मान लीजिए कि आप किसी प्राइवेट फार्मा कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो सक्सेस प्रोफाइल देख लीजिए उलट करके, अपने से रिलेटेड सारे चीजों को देखिए उसमें, आप जिस नौकरी में जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन से जुड़े हुए सक्सेस प्रोफाइल के लोगों का लिस्ट बना लीजिए, आपको ये बिलीफ लेवल देगा। जैसे मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं सक्सेस प्रोफाइल में उलट, अब सक्सेस प्रोफाइल जो लोग नए लोग नहीं जानते हो अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा, एक बुक होता है उसमें सारे सक्सेस लोगों की जो डायमंड्स है ना उसकी तस्वीर रहती है, अभी मेरे पास नहीं तभी हम आपको दिखा देते, उधर रखा हुआ है, तो उसको देख लेना है। इससे क्या होगा ना कि आपका बिलीफ लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप जर्नलिस्ट, हाँ वो दिखा रहे हैं देखिए नजीर जी, तो दिस इज कॉल्ड सक्सेस प्रोफाइल। ये एक मिलती है किताब, आप उसको अपलाइन से बात कर लीजिए या आप पीडीएफ में भी मंगा लीजिए, आजकल तो सब चीज है, कैम स्कैनर से लेकर के बोलिए कि सर हम पत्रकार हैं हमको भेज दीजिए, तो पांच को उसका स्टोरी पढ़ लीजिए। आप होटल के व्यवसायी हैं 5-7 को ले लीजिए उसका पढ़ लीजिए, अगर आप प्रोफेसर हैं तो 5-7 को ले लीजिए आप उसका पढ़ लीजिए, आपका बिलीफ लेवल बढ़ा रहेगा कि अरे भाई हमसे पहले 10 को प्रोफेसर हो चुका है डायमंड, हमसे पहले 10 को होटल का व्यवसायी है, हमसे पहले 10 को नौकरी पेशा है, हमसे पहले 10 को दुकानदार है, हमसे पहले 10 को टीचर है, हमसे पहले 20 इंश्योरेंस में काम करने वाला आदमी, आपका फेथ लेवल बढ़ जाए। ये सब 21 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां हम लोग मार खा जाते हैं, शंकर मनसानी की एक किताब है नए जमाने का बिजनेस। मैं सभी अपलाइन को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग ज्वाइन करते हैं उनके हाथ में यह किताब जरूर चला जाए। इस किताब को आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, और 21 दिन के अंदर आपके पास दो चीज की सूची बन जानी चाहिए। मैं बात खत्म कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको अगर नहीं बनाए ये प्रोसेस का अंतिम है, अंतिम स्टेज है, क्योंकि सब कर लिए और लास्ट में देखते हैं ना हुमाद चढ़ाया जाता है, सब यज्ञ हो जाता है तो पूर्णाहुति होती है हुमाद का, ये लास्ट है। क्या है? कम से कम 200 से 250 आदमी की सूची, नामों की सूची उस व्यक्ति से उसके डायरी पर बनवा दे। शंकर मनसानी कहते हैं कि हम लोग लाख सिखाते हैं लोगों को कि प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लोभ में फंसना नहीं, फिर फंसता। इसलिए 21 दिन के इस प्रक्रिया में ही वो अपनी डायरी में 250 से 300 आदमी का चाहे उसके मोबाइल में हो वही लिख दे। और दूसरी सूची उसको 15 कारण क्यों वो बिजनेस करेगा, आप नए आदमी हैं 15 कारण लिखिए क्यों ये बिजनेस कीजिएगा। केसरी जी सुन रहे हैं आप लिखिए कि क्यों ये बिजनेस कीजिएगा, जितने नए लोग हैं क्यों करिएगा ये बिजनेस, अरुण जी को भी नीरज जी को जो लोग नए लोग हैं लिखिए 15 रीजन, और 15 रीजन में 3 तरह का रीजन होना चाहिए, 15 कारण एकदम पीला कागज पर लिख करके साट दीजिए। 5-5 कारण बता देते हैं। पहला 5 कारण आपका पैसा से रिलेटेड होना चाहिए, मेरा एक अच्छा घर होगा, हमको 1.5 लाख रुपया महीना कमाना है, हमको एगो फॉर्चुनर गाड़ी लेना है, हमको
बेटा बेटी के लिए बेटी का शादी करना है, हमको 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करना है, ये 5 रीजन पैसे से रिलेटेड, 5 रीजन अपने इमोशन से रिलेटेड, 5 रीजन अपने इमोशन से रिलेटेड। आपको जो चीज लगता है आपका इमोशनल चीज, उस चीज को लिख डालिए। हमको घूमने का मन है, हमको हॉबी है बढ़िया गाना गा कर रिकॉर्डिंग करेंगे, किताब लिखने का मन है, जो आपका है 5 रीजन इमोशन से, और 5 जो लास्ट रीजन हो वो 5 बड़े रीजन लिखिए। बहुत आप उसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि लिखते लिखते आपको डर लगेगा। जैसे हम लिखे हैं कि 2025-30 में हम इस बिजनेस में फाउंडर क्राउन एम्बेसडर होंगे, मेरा अपना 8 सीटर प्लेन होगा, हम दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक होंगे, मेरी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी होंगी, ये सब लिखे हैं, वाइल्ड ड्रीम्स लिखिए। तो 5 पैसे से रिलेटेड, जिसको आप 1 साल 2 साल 6 महीना में आप पूरा कर सकते हैं, 5 ड्रीम अपने इमोशन से रिलेटेड, और 5 ड्रीम वाइल्ड ड्रीम्स लिखिए, मुझको ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, बड़ा ड्रीम लिख डालिए और उसको एकदम साट दीजिए। मित्रों, 21 दिन के इस कैप्सूल को अगर आपने ये पूरा कर लिया, 21 दिन की बात अगर आपने इसको कर ली, मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि आपका इतना बड़ा बिजनेस होने वाला है, इतना बड़ा बिजनेस होने वाला है, इसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं बात को खत्म कर रहा हूं दोस्तों। ये मैंने 5-4 स्टेज ABCD चर्चा की, 21 दिन के कैप्सूल की चर्चा की। जो लीडर्स हैं उनको इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, जो हमारे नए साथी हैं, मैं बात खत्म कर रहा हूं। मित्रों, अगर इस 21 दिन के कैप्सूल को आपने पूरा कर लिया, 21 दिन का ये कैप्सूल अगर खा लिया, ये साइंटिफिक है, ये प्रूवन है। दिमाग में 2 पोर्शन होता है, राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। राइट में पॉजिटिविटी भरा रहता है, लेफ्ट में निगेटिविटी भरा रहता है। अगर 21 दिन इन चीजों को आपने भरा, सक्सेस आपके ब्रेन में आ जाएगा। और साइंस कहता है इस दिमाग में 8 लाख न्यूरॉन्स हैं। अगर 8 लाख न्यूरॉन्स में 6 लाख 7 लाख न्यूरॉन्स भी, अगर ये मान लिया कि इस बिजनेस में आप डायमंड और क्राउन एम्बेसडर जा सकते हैं 21 दिन के प्रोग्राम के बारे में, दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में डायमंड क्राउन और आगे जाने से रोक नहीं सकता, ये प्रूवन है दोस्तों। लेकिन 21 दिन आपको रिलीजियसली, पैशनेटली, पूरे मन से, पूरे लगन से, कष्ट होगा, किसी दिन आइएगा तो रात में थक जाइएगा, कहिएगा नहीं पढ़ पाएंगे, 5 पेज पढ़िए, आधा घंटा नहीं 15 मिनट वीडियो सुनिए, 1 प्रोडक्ट का 5 लाइन पढ़िए, लेकिन 21 दिन यह सिलसिला टूटे नहीं। 21 दिन के अंदर जो आपका विश्वास था वो क्या कन्वर्ट होगा उसको समझिए। मैंने क्या कहा था, जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो एक क्षणिक रीजन के कारण आते हैं, उसके बाद वो रीजन आपका उत्साह में बदल जाता है, उसके बाद उस उत्साह को विश्वास में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन 21 दिन के इस प्रक्रिया के तहत आपका वो जो विश्वास था वो आस्था में तब्दील हो। दोस्तों, विश्वास और आस्था में एक अंतर होता है, विश्वास को सबूत की जरूरत होती है और आस्था को सबूत की जरूरत नहीं होती। इस 21 दिन के इस कैप्सूल में, इस 21 दिन के कैप्सूल को अगर आपने लागू कर दिया, आप यकीन मानिए कि आपका जो विश्वास था ना वो आस्था के वृक्ष में तब्दील हो जाएगा। छोटे मोटे तूफान हवा पेड़ को तो उखाड़ सकते हैं, लेकिन दरखत को नहीं उखाड़ते हैं। आपके आस्था की जड़ें इतनी पैवस्त हो चुकी होंगी, आपके मन मस्तिष्क में सक्सेस इतना भर चुका होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और आप जो चाहिएगा वो आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, मैं सभी तमाम नए जुड़े हुए साथियों से अनुरोध करूंगा कि जितनी बातें आज मैंने कही है आप डायरी उठाइए तुरंत इस मीटिंग के बाद, और उन सबों को लिख डालिए, और लिख करके आज रात से ही उसका शुरू करा दीजिए पालन। जितने आप लाइंस है वो एक मैकेनिज्म डेवलप करें कि उनके नीचे, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जितने नए साथी आए हैं वो आपके उम्मीद, आपके भरोसे आए हैं। हमारा कोई हक नहीं बनता है कि उनके उम्मीदों को हम तोड़ें। ये हमारा दायित्व है कि अगर हम पर भरोसा करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो उनको ये भरोसा होना चाहिए कि दिस इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, एंड
एज एन अपलाइन यू आर द बेस्ट अपलाइन इन द वर्ल्ड. इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दीजिए, उसका हाथ पकड़िए, उसका दामन थामिए और उसको सफलता की मंजिल पर ले जाइए. थैंक यू दोस्तों, आपसे बात करके चीजें आपकी स्पष्ट हो गई होंगी.